उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से दिल्ली दंगे की आरोपित उमर खालिद के पिता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मुलाकात की। इसके बाद से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दोनों की इस मुलाकात पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था, अब इनसे भारत तेरे टुकड़े होने का नारा लगाने वाले के अबू मिले हैं। इलियास भी कुछ कम नहीं है, वो भी इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्य थे। इस प्रतिबंधित संगठन को भारत सरकार ने 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया था। उमर खालिद का पिता, वह उमर खालिद जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वह व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है कि चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आप कल्पना करिए कि अगर ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, अगर ऐसे लोग सत्ता में आते हैं तो उनसे क्या उम्मीद करते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस एसपी या बीएसपी सरकारों ने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर राज्य को दंगे की आग में झोंक दिया। इन सभी पार्टियों का खुद का हित इसी में है। गौरतलब है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास ने सपा अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ संगठन के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इलियास दिल्ली हिंसा से जुड़े मामलों में आरोपी छात्र नेता उमर खालिद के पिता हैं। उनकी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में सपा को समर्थन देने का ऐलान किया है। खालिद दिल्ली हिंसा को लेकर पिछले करीब एक साल से जेल में बंद है। इससे पहले वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कथित राष्ट्र विरोधी नारे लगाने को लेकर चर्चा में आए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल फरवरी में संशोधित नागरिकता कानून को लेकर दंगे हुए थे, जिनमें 53 लोगों की मौत हुई थी। खालिद पर दंगे भड़काने और भड़काऊ भाषण देने समेत कई आरोप हैं। योगी ने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा या फिर बसपा की, इन लोगों ने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का कार्य किया था। उन्होंने प्रदेश को माफियाओं के सामने गिरवी रखने का काम किया था और जब आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब न केवल सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया, बल्कि आज कोई माफिया तत्व सिर उठाकर नहीं चल सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।